बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी ले रहे हैं जीएसटी के बारे में। इंडियन टैक्सेशन करंट सिस्टम क्या है, जो वैट और सीएसटी के साथ हमने एग्जांपल के रूप में देखा। जीएसटी क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होना है और ड्यूल टैक्सेशन किस प्रकार से आपको बेनिफिट देने वाला है। हमने ये भी सीखा कि यदि आपका बिजनेस जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो किस प्रकार से आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। साथ ही हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक एग्जांपल भी देखा जिसमें जीएसटी और वैट के कंप्लीट डिफरेंस को शो किया गया है। तो आइए देखते हैं अब हमारे पास जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि हम यहाँ इस लेवल तक पहुँच गए हैं कि हमें जीएसटी की पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो अब देखें कि जीएसटी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं जीएसटी के बेनिफिट्स, और साथ ही हम इसी सेशन में देखेंगे जीएसटी के रेट्स क्या हैं, यानी भारत में जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो कौन कौन से रेट्स किस किस दर से उपलब्ध रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस विद प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके लिए लेकर आने वाले हैं, और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम जीएसटी के बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, हमारे पास भारत में जो टैक्सेस हैं, 17 से भी ज़्यादा टैक्सेस हमने पीछे भी डिस्कस किया, इसमें सभी को रिप्लेस करके, लगभग सभी को रिप्लेस करके एक सिंगल जीएसटी सिस्टम बनाया गया है, जिससे कि आपके बिजनेस को आसानी रहे टैक्स पे करने में, गवर्नमेंट को आसानी रहे टैक्स प्राप्त करने में। तो कहीं ना कहीं ये भारत की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बदलाव रहेगा, जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आना। इसके साथ साथ ना केवल डीलर्स को बेनिफिट होगा बल्कि कस्टमर को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें कीमतें गिरेंगी। कीमतें इसलिए गिरेंगी क्योंकि आप टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं दे रहे, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा। साथ ही इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस जब खत्म हो जाते हैं तो बिजनेस भी आसान आपके लिए हो जाता है। तो आइए देखते हैं और भी बेनिफिट्स इसके क्या हैं। आप यदि कभी किसी स्टेट बॉर्डर पर खड़े हों तो आप देखेंगे कि वहाँ पर चुंगी के लिए या एंट्री फॉर्म्स के रूप में काफ़ी सारे ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं। उसका कारण ये रहता है कि वहाँ पे टैक्स कलेक्शन सेंटर्स होते हैं और काफ़ी सारे संख्या में ट्रक्स वगैरह वहाँ खड़े रहते हैं। जब तक वो पास नहीं होते, अर्थात जब तक उनको एंट्री नहीं मिलती, तब तक वो वहीं पे उनको वेट करना पड़ता है, और 10 से 12 घंटे वो ट्रक वहाँ वेट करता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। जबकि जीएसटी आने के बाद ये सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी। डायरेक्ट जो ट्रक है या हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सामान को लाने ले जाने वाला, वो कि उसको बॉर्डर पे वेट नहीं करना पड़ेगा स्टेट बॉर्डर्स पे, वो तो बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुंचाया जा सकता है, जिससे हमारी जो कॉस्टिंग रहेगी सामान को खरीदने की वो भी लेस हो जाएगी। जीएसटी का सबसे बड़ा बदलाव ये भी होने वाला है। इसके साथ ही जीएसटी सबसे बड़ा लाभ उन स्टेट्स को भी देने वाला है जो लेस डेवलप्ड हैं, अर्थात अभी जो बहुत कम विकसित हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि उनको भी एक ही दर पे टैक्स मिलेगा, और जिससे वे भी अपने डेवलपमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। एक सबसे बेहतर बात इसमें, इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, सबको टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है। अर्थात ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा, यदि आपने टैक्स पे किया है तो आप उसका टैक्स इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट भी कम रहती है और इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट रहता है। देश के लिए सबसे बड़ा लाभ, 1% से लेकर 2% तक डायरेक्टली जीडीपी हमारी ग्रोथ करेगी, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। छठा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट बिजनेस में है, आपका बिजनेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। भारत सरकार ऐसे सिस्टम लेके आ रही है जीएसटी में, जिससे आप आसानी से ऑनलाइन रजिस्टर कर पाएंगे, ऑनलाइन ही आप अपना टैक्स पे कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जितना भी रिटर्न्स है वो भी ऑनलाइन चला जाएगा। इन सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन रहने की वजह से आपका बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। इसके साथ ही कस्टमर को कम पे करना पड़ेगा, ये हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि किस प्रकार अगर 18% जीएसटी हो तो भी कस्टमर को कम प्राइस पे करना पड़ता है, क्योंकि आपको इस केस में टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना होता। ये बहुत कम बेनिफिट है जो हमने बताए हैं। जैसे ही भारत में इंप्लीमेंट होगा, इसके अतिरिक्त भी आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी और काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे जीएसटी के। आइए अब बात करते हैं जीएसटी के रेट्स क्या होने वाले हैं भारत में। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो है, अभी जो एक्सपेक्टेड रेट गवर्नमेंट की तरफ से तय किए जाने हैं, लगभग कुछ इस प्रकार से रहेंगे। आपकी जो फूड आइटम्स हैं, खाने पीने का सामान है, उन पर 0 से लेकर 5% के बीच में टैक्स रहने वाला है। जो आप डेली यूजेज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनमें 5 से 12% का टैक्स रहने वाला है। जनरल आइटम्स को 12 से 18% के बीच में रखा गया है,
और यदि लग्जरी आइटम्स हैं तो उनको 18-30% के बीच में रखा गया है। तो कुछ इन दरों के साथ आपके पास GST लागू रहेगा भारत में। मैं आपको ये बता दूं कि ये केवल एक्सपेक्टेड रेट है, एक्चुअल रेट्स जब GST इंप्लीमेंट होगा तो वो वहाँ पे दिखाए जाएंगे। ये केवल कुछ एक्सपेक्टेड रेट्स हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमने अभी तक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है या जो पिछले सेशन में कवर किया है वो सब कुछ अभी एक एग्जांपल के रूप में आपके सामने शो किया गया है जो कि कुछ कैलकुलेशंस पे बेस्ड है। हालांकि जब GST इंप्लीमेंटेड होगा तो काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने के मिलेंगे। जैसे ही GST इंप्लीमेंटेड होगा और अगर उसमें कुछ बदलाव रहते हैं तो हम उनकी ट्रेनिंग्स भी आपके सामने लेकर आएंगे। ये केवल एग्जांपल के रूप में आपके सामने दिखाया गया है GST और उसके बेनिफिट्स को। तो यदि आप चाहते हैं कि सभी वीडियोस GST से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड आपके पास पहुंचे, तो इसके लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।